प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, मेरे उड़िया भाषा भी इससे पुरानी है, तेलुगु, तमिल, मलयाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, ये छह क्लासिकल लैंग्वेज है। माने इनकी आयु हजारों साल पहले मनुष्य सभ्यता के साथ साथ, मनुष्य सभ्यता के साथ साथ ये भाषा सामने आई है। किसी ने कहा मेरे को 200-300 साल तक लंदन में, माने यूके में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर इंग्लिश भाषा नहीं था, वह और कुछ था। पूरा यूरोप में मैं 21 साल पहले पहली बार विदेश गया, जैसे अभी हमारा किसी ने बताया ना, हमारा कौन बताया, हमारे उड़ीसा का टीम से कौन था, नहीं नहीं हमारा शिशिर, शिशिर ने कहा मैं राजस्थान में 7:30 तक अंधेरा नहीं होता है, मेरे लिए आश्चर्य था। मित्रों मैं भी कभी बाहर गया तो मेरे को लगा कि मेरे धारणा था सारा यूरोप इंग्लिश बोलते होंगे, लेकिन सारे यूरोप में कई भाषा बोलते हैं और एक दूसरे को समझते भी नहीं है। हमारे वहां तो सब, हमारी बहन ने, छोटी बच्ची ने राजस्थानी के बारे में, राजस्थानी भाषा में क्या बोली, वो तारू राजस्थान मारे मारे चोखे लगे ना अच्छा लगता है। कुछ समझने में मु जदि आपण मानू ओडिया रे धीरे धीरे कहबी आपण मानू बुझी आसीबो ना नहीं, ये हमारे कोई भी भारतीय भाषा में धीरे 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 बोलोगे सब समझ जाते हैं। ये सब जो सूत्र है ये सब एक है, इसी एकता, इस एकत्व, एकता कहना सीमित हो जाएगा, इसी एकात्मता, एकत्व, वननेस हमारी देश की स्ट्रेंथ है। और अनफॉर्चुनेटली मैकोले शिक्षा पद्धति के कारण, जो शिक्षा पद्धति भारत को, ये कोई हम लोग जो उनसे असहमत है वो कहने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, मैकोले मिनट्स करके ये लिखा गया है शायद 1830 में लिखा गया, उसमें लिखा गया कि भारत को लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए, उनकी लोगों को दबाने के लिए यह भाषा को लाया जाएगा, अंग्रेजी भाषा को। मित्रों ऐसे पृष्ठभूमि हमको आजादी के साथ साथ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन चलो हमने किसी कारण से जो विषय को प्रायोरिटाइज करना चाहिए था नहीं कर पाए, इसीलिए एचबी दास जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरे से नहीं आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि काश मेरे को यह मौका मिलता कि मैं आप जैसे घूमता, देखता, जानता और सत्ता में बैठे हुए लोग इसकी काम करते। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता करते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे वो खुद एक भारत श्रेष्ठ भारत की कोई ग्रुप की आनंद से खुद को जोड़ते हैं, ट्वीट करते हैं, 15-20-30 लड़के देश के किसी कोने से आके दूसरे कोने में पहुंचे हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति को सुनते हुए खुद ट्वीट करते हैं, यानी प्रधानमंत्री हमारे ऊपर नजर रखे हैं, हमारे कामकाज को देख रहे हैं। ऐसे क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भारत की सामूहिकता को, भारत की अच्छाइयों को, भारत की एकरूपता को, भारत की एकात्मता को, जो हमारी पूंजी है, या दरिद्रता रही है, या भुखमरी रही है, या समय समय से हमको विभिन्न भ्रांति भ्रांति की चुनौतियां सामना करना पड़े, अभी अभी कोरोना में हमने सामना किया, लेकिन दुनिया कैसे खुद को संभाला, हमने कैसे संभाला, इतने में दुनिया की अर्थनीति आज तबाह हो चुकी है, लेकिन भारत विश्व की 5 नंबर की अर्थनीति इन्हीं कालों में बना है। और किसको छोड़ा पीछे, जो लोग हमें
300 साल तक शासन किया, गुलामी में रखे इसी आधार पे कि तुम लोग काले हो, तुम्हारी बुद्धि कम है, हम गोरे हैं हमारी बुद्धि ज्यादा है, रेसिज्म के नाते जिन्होंने हमको गुलामी में रखा, इस बार हमने यूके को छठवीं स्थान से टपके उनको नीचे किया, हम उनके ऊपर गए, तब हमारी देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे।